सागर के नरयावली विधानसभा में जगह जगह अवैध रेत का स्टॉक किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को खनिज राजस्व पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 4 स्थानों से रेत का अवैध स्टॉक मिला है, जिसको जब्त किया है। खनिज विभाग के अधिकारी राजेश गंगेले ने जानकारी देते हुए बताया कि नरयावली में अवैध रूप से रेत का स्टॉक करने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसको लेकर नरयावली में आज कार्रवाई की गई है और 4 स्थानों से अवैध रेत का स्टॉक मिला है, जिसमें दीपक चौरसिया के यहाँ 16 घन मीटर, नरेंद्र साहू के यहाँ 25 घन मीटर और छोटे लाल के यहाँ 16 घन मीटर अवैध रेत का स्टॉक मिला है और एक ढेर अज्ञात रूप से जब्त किया गया है। रेत को नरयावली थाने में रखवा दी गई है, साथ ही 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई है। द्वारा नरयावली में क्या कार्रवाई की गई है? नरयावली में रेत के अवैध स्टॉक के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर पुलिस राजस्व एवं खनिज की संयुक्त दल द्वारा आज कार्रवाई की गई है, जिन पे 4 जगह कार्रवाई की गई है। प्रथम बार दीपक चौरसिया 16 घन मीटर रेत इनके यहाँ जब्त की गई है। दूसरा है नरेंद्र साहू 25 घन मीटर रेत जब्त की गई है। तीसरा है छोटेलाल सोर 16 घन मीटर रेत जब्त की गई है। एक ढेर अज्ञात रूप से जब्त किया गया है और रेत को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया है। द्वारा क्या कार्रवाई की गई नरयावली में? शासन प्रशासन के माध्यम से जो द्वारा इस अवैध परिवहन रेत पर अवैध जो खनन के तहत अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत कार्रवाई के लिए राजस्व अधिकारियों के निर्देश अनुसार खनिज अधिकारी सागर से और राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार महोदय थाना पर उपस्थित हुई है, जो संयुक्त टीम पुलिस के साथ में जाकर के अवैध रेत स्टॉक जो स्टॉक किए हुए हैं उनकी तलाश पर सूचना पर नरेंद्र साहू का 2 डंपर अवैध स्टॉक रेत का पाएगा। एक दूसरी जगह छोटे लाल सौर के यहाँ 1 डंपर रेत का अवैध स्टॉक पाएगा। तीसरा डीपी चौरसिया के यहाँ 1 डंपर अवैध रेत का स्टॉक पाएगा। 1 डंपर अज्ञात में तालाब के पास रेत का अवैध स्टॉक पाएगा, जिस पर अलग अलग जब्ती कार्रवाई खनिज अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार महोदय के माध्यम से की गई है। और इसमें अवैध परिवहन करते हुए इस रेत का 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए, एक उसमें स्वराज ट्रैक्टर है, दूसरा सोनालिका है, जिसकी कार्रवाई भी विधिवत जब्ती कार्रवाई कर राज्य सरकार द्वारा की गई है।